गाट जंगल है यहाँ पर, मेरे ऊपर भी आप देख सकते हो, ऊपर तक जाना है, बाकी रास्ता ऐसा है। तो दोस्तों अभी UIU की 4 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन 3 किलोमीटर इसके अंदर भी चले हैं और जंगल के बीच में है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पर रास्ता का कुछ पता चल नहीं रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो फिलहाल अभी का सीन कुछ ऐसा है आज का, तो अभी बजे है सुबह में 5:15 देख सकते हो आप। तो फाइनली इतनी सुबह हम निकल रहे हैं बाइक राइड, कहाँ पे जा रहे हैं, तो जा रहे हैं हम फॉरेस्ट एरिया महल, जो यारा के पास है, जो अंदर ट्रैकिंग करके जाना है 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास, तो वहां पर जाने का प्लानिंग है। सब दोस्त लोग हैं, हम 5 लोग हैं, पहले जाने वाले थे 8, बाद में हुए 7, बाद में हुए 6 और बाद में फाइनली कल रात को 3 बजे डिसाइड हुआ 4 जन का, और एक अभी 4:30 बजे एक सुबह फाइनल किया हमने, तो 5 जन हम टोटल हुए हैं। तो 5 जन अभी जा रहे हैं, तो अभी का ऐसा कुछ सीन है, तो 5:15 बजे है, तो अभी बाहर ठंड काफी ज्यादा है, तो जब उसकी भी ग्लोव व्लोव में चाहिए, तो सब अभी पैकिंग कर रहे हैं, बूट बूट पहन के सब, पानी लिया, खाना हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया है डायरेक्ट ही। तो एक भाई आ रहा है श्रेय भाई अपना, तो वहाँ से इसके घर के पास से सीधा ऑर्डर लेके अभी निकल रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलिए अभी फटाफट निकलते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम भी वेस्ट नहीं करते, तो सीधा आपको मिलते हाईवे ऊपर, तो चलिए चलते अभी सीधा ही वहाँ पर। तो दोस्तों फिलहाल अभी थोड़े से निकलते थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि अभी बजे है 6, अभी मेरा मुंह नहीं दिख रहा क्योंकि ठंडी इतनी काफ़ी है। तो अभी बजे 6 और सभी आ रहे हैं, गाड़ी 5 लोग हम जा रहे हैं और 3 गाड़ी है, तो सब भाई लोग आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा तो सबसे मिलवाऊंगा अभी। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो रोड पे पूरा अंधेरा, अभी 6 बज गए फिर भी, तो सामने लाइट आ रही है, तो आई थिंक अपने भाई लोग की है वहाँ पर। तो भाई लोग अपनी गाड़ी आ गई, देख सकते इंडिकेटर लग चुका है यहाँ पर, तो भाई आगे एक भाई पहले, अपने कौशिक भाई भी आ गए यहाँ पर है। व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो? अरे बढ़िया। ठंड कैसी है? अरे बहुत पूरे। अरे श्रेय भाई कैसे हो भाई? बढ़िया सब बढ़िया भाई। अरे भाई आपका चश्मा गिर गया यार, 5:30 का बोला था यार। ओ हमारे मीर भाई बयानी नहीं आया। तो भाई सबको गुड मॉर्निंग, पहले तो भाई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या था रात का सीन, क्या था? नहीं प्लान होने वाला था? नहीं चलिए तीन स्कीम करके रहे थे, सब स्कीम कर रहे थे, लेकिन हम सोलो राइड करने वाले थे। ये ब्रो ये बात हुई ना, तो फाइनली अभी हो गई, अभी जनीश भाई और दूसरे मिहिर भाई वो पेट्रोल पुरवाने गए, बाद में आपको मिलवा था वो, बाकी श्रेय भाई कौशिक भाई आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ गाड़ी यहाँ पर है हमारी, बाकी ये कौशिक भाई की गाड़ी भी एकदम कंप्लीट, सब भाई जो आ चुके हैं और ठंड भी काफी ज्यादा है। चलिए चलते अभी फटाफट चलते हैं आकर। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं बारडोली, बारडोली अभी पहुंचे हम 7:15 पर, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे जय अम्बे रतारूपुरी का सेंटर है यहाँ पर भजिया का, तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे क्योंकि अभी खुला नहीं है, इस वजह से ऑर्डर दिया है, बन रहा है अभी। तो अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा हाईवे है यहाँ पर, ये नवसारी तरफ जाता है और यहाँ से पूरा व्यारा और ये सापुतारा तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, तो अभी धीरे धीरे नाश्ता मंगवाया है, तो नाश्ता करके निकलते हैं अभी फटाफट। सीन बन रहा है कि अभी जाना है व्यारा, व्यारा से महल और महल से सापुतारा का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलिए अभी देखते हैं टाइम कितना रहता है, इसके ऊपर डिपेंड है, बाकी चलिए हमें नाश्ता के टाइम पर मिलते हैं, अपन देखते हैं क्या क्या हमने मंगवाया है, तो चलिए मिलते हैं सीधा वहाँ पर। तो दोस्तों अभी बजे सुबह में, घड़ी में बजे 8, तो अभी हम निकल रहे हैं, तो 2 मिनट भाई खाली, तो फटाफट हम निकल रहे हैं अभी महल की तरफ, और नाश्ता हमने कर लिया लेकिन दिखा नहीं पाए क्योंकि भूखी इतनी सबको लगी थी, सब साफ हो गया। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं, लेट हो गया है थोड़ा, तो फटाफट चलते चलिए फटाफट। तो
तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं महल के अंदर से, व्यारा से अंदर आ चुके हैं। तो अभी बचे हैं घड़ी में 9:15, तो काफ़ी अच्छा रास्ता हमने कवर किया है शॉर्ट टाइम के अंदर। तो ऐसा कुछ सीन है, बाकी बिल्कुल सब एकदम फोगी मौसम है सब पूरा। तो अभी हम यहाँ पर श्रेय भाई और कौशिक भाई की वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पीछे रह गए थोड़ा, तो इसकी वजह से। बाकी यहाँ पर पूरा बात आप देख सकते हो, माहौल सब एकदम बढ़िया। तो काफ़ी अच्छा हमने रास्ता कवर किया, बाकी घड़ी में अभी 9:15 है। तो चलिए फटाफट, धीरे धीरे फटाफट ही चलते हैं, धीरे धीरे नहीं, तो चलते हैं आगे और मिलते हैं रास्ते में कहीं। दोस्तों ये जो आप जो गलन देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ही आगे अभी जो महल का जो वाटरफॉल है वहाँ पर है, वहाँ से डेढ़ या 2 किलोमीटर अंदर ट्रैकिंग करके जाना है। बाकी मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, पूरा एकदम जो नदी है, नदी के आसपास यहाँ पर सामने देख सकते हो सब पूरा एकदम अच्छी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा सीन आ रहा है। बाकी यहाँ पर रोड का काम शुरू है, बाकी यहाँ पर फोटोग्राफी भी हो रही है आप देख सकते हो। बाकी ये पूरा जंगल एरिया यहाँ पर, बाकी ये देख सकते हो पूरा यहाँ पर आप, तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी चलते हैं आगे और धीरे धीरे यहाँ ऐसे लोकेशन मिलते हैं तो वहाँ पर आपसे बात करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी आगे की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सबरीधाम सुबीर। तो आपने यहाँ का वीडियो देखा होगा, वहाँ सामने मंदिर है और यहाँ का ऐसा कुछ व्यू है। तो यहाँ का हमने पहले भी वीडियो शूट कर लिए थे, नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी महल तो महल जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर ट्रैकिंग करके जो जाने वाला रास्ता था वहाँ पर अंदर जो अभी क्या बारिश नहीं आ रही है, तो वाटरफॉल सब सूख गए हैं, क्योंकि पानी रहेगा तभी नीचे आएगा। तो पानी नहीं, इसकी वजह से कुछ जाने का फ़ायदा भी नहीं है, वहाँ पर कुछ दिखेगा भी नहीं। तो इसके हिसाब से वहाँ पर महल का हमने कैंसिल किया, बाद में सीधा सुबीर आ गया। अभी सुबीर पे यहाँ पर आए तो दोपहर का लॉन्च अभी 11:30 तो बज चुके हैं, तो दोपहर का लंच करेंगे। बाद में यहाँ से देख रहे हैं अभी कि आहवा, यहाँ से आहवा 30 किलोमीटर है, तो आहवा में क्या लोकेशन है घूमने के लिए वहाँ बाद में चलते हैं। बाकी सबरीधाम वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी दोपहर में कड़ी में भेजे है 12:15 और यहाँ पर थेपला, चाय, चटनी और वेफर है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी लंच कर रहे हैं, बाद में अभी सोचेंगे आगे क्या कहाँ पर जाना है। बाकी सब यहाँ पर बैठ चुके हैं, शेर भाई, अपने कौशिक भाई, अपने जनीश भाई और मिहिर, कुछ चीन है। तो चलिए अभी खाकर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। और दोस्तों तो अभी हम पहुंचे हैं रूपगढ़ के किले के नीचे रोड के ऊपर। तो हम महल से निकलकर रूपगढ़ पहुंचे, तो अभी बजे है 2:30 तो, और यहाँ पे पूरा जंगल है और वहाँ पर जो बोर्ड लिखा है वहाँ से ट्रैकिंग करके जाना है, 1.5 या 2 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पर बाकी आप सब देख सकते हो कि अब पार्किंग में हमें गाड़ी लगा दी है और साथ में एक ऐसी लकड़ी ले ली है, क्योंकि यहाँ पर वन्य जीवों का त्रास है इसकी वजह से। और बाकी यहाँ पर पीछे मेरे पीछे देख सकते हो सभी जंगल है और यहाँ पे रास्ता है ट्रैकिंग करने का। तो चलिए चलते हैं, तो कुछ नया दिखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से कोई बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, तो चलिए चलते हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते, ट्रैक करके जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जंगल बढ़ता जा रहा है और अभी सांस भी फूलने लगी है। तो चलते हैं अभी धीरे धीरे, और काफ़ी डरावना सा भी रास्ता है एक तरह से बोल सकते हैं, तो
क्योंकि जनीश भाई अभी आगे चल रहे, लीड कर रहे हैं वो, तो चलिए चलते हैं अभी धीरे धीरे। तो दोस्तों काफी मेहनत के बाद अभी रास्ता मिल नहीं रहा है, इस तरफ भी हम गए, इस तरफ भी हम गए, जनीश भाई सब जगह जाके आए, लेकिन कहां पर भी रास्ता का मालूम नहीं पड़ रहा है। और अभी सिचुएशन ये कि 3 बज चुके हैं और रास्ता मिल नहीं रहा है, और अभी डर इस बात का है कि थोड़ा सा अभी 4 किलोमीटर का वॉक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं 4 किलोमीटर, लेकिन बाद में शाम हो जाएगी तो रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो इसकी वजह से अभी क्या कर रहे हैं कि फिर से प्लान कैंसिल रखा है। कोई दिन और दिन आएंगे तो चले गए, क्योंकि सुबह सुबह चले गए तभी सब कवर हो पाएगा। तो फाइनली रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अभी पार्किंग की तरफ फिर से जा रहे हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर का रास्ता है और अभी 5 बजे तो अंधेरा होने लगेगा, तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जंगल एरिया है पूरा। यहाँ पे देख सकते हो सब, यहाँ पर पूरा जंगल है और इस तरीके का जंगल है पूरा। तो बाकी अभी जनीश भाई देख दो, देख सकते हो कि थोड़ा आगे जा रहे हैं वहाँ पर जनीश भाई देखने के लिए, लेकिन वापस हमें पार्किंग की ओर ही बढ़ना है। कोई और दिन आएंगे तब चलेंगे वापस, अब तो फिर से जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों किले पर जा तो नहीं पाए, लेकिन यहाँ से रिटर्न जाते हुए जनीश भाई को यहाँ पर किला देखा, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ऐसा कुछ किला है लेकिन काफी बड़ा है, तो रास्ता नहीं मिल रहा था प्रॉपर, लेकिन जाते हैं वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं जाएंगे हम फिर से एक बार। तो ये किला देख सकते हो पूरा, और यहाँ पे खाई है पूरी देख सकते हो यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी ये दोस्तों देखो हमारे, देखिए देखिए, तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों अभी हम सब खाना खा के निकल गए हैं फिर से घर की तरफ, तो अभी हम बाबेन से थोड़ा आगे निकले हैं, तो सोचा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी, आप देखो तो काफ़ी अच्छा माहौल था, ठंडी पवन भी आ रही है। तो अभी बजे है सुबह में, माफ कीजिए शाम को 8 बजे है, 7:55, ठीक है 8 बजने वाला है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो आज काफ़ी थक चुके हैं, बाकी यहाँ पे अपने कौशिक भाई, तो इसका भी ब्लॉग आ रहा है अभी, इसने भी आज शूट किया है, तो इसका नाम भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लेना एक बार। बाकी अपने मीर भाई फर्स्ट वीडियो में आए भाई, कैसा लगा आपको, मजा आया, अच्छा लगा, अच्छा लगा लगे। और एक रोड ट्रिप होगी क्या, क्या लगता है आपको, ट्रिप गोट लगेगी, हो जाए भाई, अभी बोलने की हालत नहीं है सब इतने। बाकी जनीश भाई अपने यहाँ पर, ठीक है जो भी आप टाइम लैप्स देख रहे होगे वो अपने जनीश भाई की मेहनत है सब। बाकी अपने श्रेय भाई यहाँ पर, ठीक है थोड़े से काले आ रहे हैं अपने श्रेय भाई, बाकी यहाँ पर सभी, तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलिए अभी आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए, वीडियो पसंद है करना क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी सी कमेंट करके बताइए वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टिल देम टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।